हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का क्लाउड्स गाइस बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। वेट, आई शो यू फॉर माय बैक कैमरा। ये देखिए, लग रहा है ना कुछ अलग, इतना सुंदर लग रहा है। और काजल जा रही है हल्दी में। हाय, आना आज येलो येलो पहन के आई है। देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। अभी हम लोगों ने थोड़े दो तीन फोटो खींचे हैं बिकॉज बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। चलते हैं हमारे स्कूल में बिकॉज लेट हो गया है हमें। चलो तो गाइस, सुबह सुबह ये देखिए ऐसा नजारा होता है कैंटीन में। और इतने सारे बटाटे हमें साफ करने होते हैं। ये थाना में हम लोग साफ करते हैं, देन इसमें इजी पड़ता है हमें साफ करने, साफ करके रखने में और मसाला बनाने में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली ये दूसरे दिन का व्लॉग है बिकॉज कल किसी रीज़न की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। इसलिए अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँ। तो अभी सुबह के बजे है 6 एंड अभी हमारा निकलने का टाइम हो चुका है। एंड मुंबई में गर्मी बहुत स्टार्ट हो चुकी है। कल तक इतनी ठंड लग रही थी सुबह, बट आज लिटरली पसीने छूट रहे हैं। मतलब जब नहा के आते हैं ना बाहर तो पसीने छूटते हैं ह्यूमिडिटी के वजह से, वैसा है। और मैंने ट्विटर पे या फिर कहीं पे तो पढ़ा भी था कि दो तीन दिन 37 to 38 डिग्री गर्मी जाने वाली है। आज से मैं ये दो दो बॉटल लेके जाऊंगी बिकॉज अभी गर्मी बढ़ चुकी है तो पानी भी ज़्यादा इंटेक करना चाहिए और प्याज भी बहुत लगती है। तो आज हम निकलेंगे हमारे डीओ को। ये देखिए यहाँ है हमारे डीओ। तो पहले इसको बाहर निकलती और तो ये रही अपनी पसीनों। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम ब्रेकफास्ट करने के। क्या खा रही है? बर्थडे। गुड्डे का साइज बढ़ गया क्या? थोड़ा छोटा हो गया। बढ़ गया रे अभी थोड़ा सा। अरे बढ़ेगा नहीं, अभी एक बार छोटा हुआ वो छोटा ही हो गया। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। आज प्रेडिक्ट किया ही गया था कि गर्मी होगी। इतनी गर्मी है कि हम लोग किचन के अंदर इतनी गर्मी हो रही है ना, इसलिए अभी फ्रिज के अंदर थोड़ा मुंह ऐसे मतलब फ्रीजर के अंदर मुंह रखा है मैंने बिकॉज बहुत मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा आ रही है। तो अभी हम जा रहे हैं हमारा कैंटीन का राशन का सामान लेने। अभी धूप धूप बज रहे हैं, शाम के बज रहे 4:15 और बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है अप्रैल मई का महीना आ गया। मतलब पहले दिन पे इतनी गर्मी भगवान ने दे दी है कि सोच सकते हो अभी अप्रैल और मई में कैसे होगा। अब बहुत धूप है, सब जगह मुंबई में चल रहा है कंस्ट्रक्शन भी। इलेक्शन के पहले वैसे भी सारे काम चालू हो जाते हैं, अच्छा है एटलीस्ट रस्ते बन रहे हैं। मैं क्या कुछ चीज़ होती है जो क्या नहीं बता। अच्छा, यहाँ पे ना मीरा बाइंदर पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे गार्डन वार्डन बहुत है और रस्ते भी खुले खुले, मतलब ट्रैफिक कम है अंदर हमें। हाँ, ये वाला रास्ता मुझे बहुत पसंद है। इसको मैंने बोला कि स्कूटी सीखा रहेगा तो यही रोड पे आएंगे। अब बोला है और पता नहीं कब सीखने को मिलेगा। नहीं, हम लोग शायद इधर शिफ्ट होने वाले हैं 4 months के लिए शायद, ऐसा प्लानिंग चल रहा है हमारा जून में बिकॉज बारिश बहुत होगी और इतना दूर ट्रैवल करना मतलब हम लोग को सेफ नहीं लग रहा है। यहाँ पे पानी जल्दी जम जाता। हाँ, यहाँ पे पानी बहुत भरता है ऐसा सुनने में आया है। सो इसलिए हम लोग थोड़ा मतलब सेफ्टी के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए ना 4 महीने के लिए बस। सो ये रहा हमारा राशन का दुकान जहाँ से हम लेते हैं सामान। गाइस ये मीरा भाईंदर में देखिए ये ऑरेंज कलर की जो रिक्शा दिख रही है ना,
ये यहाँ पे लेडीज लोग चलाते हैं, मतलब ठाणे एरिया में जितना भी ठाणे का जिला लगता है ना, अरे तो वहाँ पे ऑरेंज रिक्शा प्रोवाइड की गई है लेडीज लोगों के लिए स्पेशल। सो ये देखिए, तो गाइस ये देखिए सामान ले लिया गया है और अभी रिक्शा पकड़ के हम निकलेंगे स्कूल में वापस। अभी हम जा रहे हैं हमारे घर और ये रहा हमारा वही रोज का टोल प्लाजा। हमेशा की तरह आज ट्रैफिक है एंड आज गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब हद पार हो गई, अचानक से एकदम गर्मी आ गई, इसलिए आज बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी हमें। और हम यहाँ से निकलते हुए चलो 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 अपने डीओ है ना, डीओ ट्रैफिक में एकदम मतलब उसको कुछ टेंशन ही है। देखो ऐसे छोटे छोटे गलियों में जब भी निकल जाते आराम से, कभी भी मतलब डीओ पे रहती हूँ ना मैं, मुझे ज़रा भी मतलब कोई भी सिचुएशन में डाल दो कहीं से भी मैं अपनी स्कूटी को निकाल सकती हूँ। बट ये चीज़ पसीनों में नहीं पॉसिबल होती है, पसीनों में थोड़ा मुझे दिक्कत आता है। जब मैं लद्दाख का भी प्लान करी थी तो मैं काजल से घर वालों से ये पूछते बैठती थी मतलब कौन सी स्कूटर लेके जाऊँ, बिकॉज मुझे दोनों में कन्फ्यूजन इतना हो रहा था, बिकॉज पसीनो थी वो 2019 की मॉडल थी तो मुझे लगा मतलब उसका और उसका सीसी भी ज़्यादा था, 125 सीसी की स्कूटी थी वो, तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें पावर बहुत होगा। बट फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे को ये सपना अपनी डीओ के साथ ही कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने फिर डीओ लेके जाने का सोचा और मुझे इसमें कम्फर्टेबल भी लग रहा था क्योंकि कोई भी सिचुएशन में आराम से मैं निकाल पाती हूँ इसलिए। तो अभी चलिए ट्रैफिक से भी निकल के घर जाते हैं, मिलते हैं आपको घर पर। बैक होम, एक घंटा लग गया मुझे घर आने के लिए, इतना गंदा ट्रैफिक, इतना गंदा ट्रैफिक यार सीरियसली, मतलब सब जगह पूरा कंस्ट्रक्शन चालू है बस, और मतलब बड़े बड़े ट्रक्स, उसी में बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे हैं, उसमें हज़ार रोज घर जाने का टाइम सबका, इतना गंदा ट्रैफिक ना सीरियसली, मैं सीरियसली बोल रही हूँ एकदम हो गया, मेरा पेशेंस लेवल पूरा ख़त्म होने वाला था। बस कान मतलब मैंने ईयरफोन लगा के पॉडकास्ट सुन रही थी मैं, उससे मेरा थोड़ा टाइम पास हो गया, नहीं तो और आज तो मतलब मेरी आदत ही रो देती मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा। एक तो इतना गर्मी हो रहा था, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, क्या बताओ यार एकदम बेकार ट्रैफिक यार मुंबई में क्या चल रहा है, फटाफट रास्ते भी बना देने, पता नहीं सब जगह क्यों खड्डे करके रखे, क्या कर रहे खड्डे करके, पता नहीं महीने महीने दो दो तीन तीन महीना बस वही खड्डा ऐसे ही पड़ा है, कुछ काम करते हुए भी कोई दिखता नहीं है, और उसी में बड़े बड़े सीमेंट वाले ट्रक, उसी में बड़े बड़े वाटर टैंक, क्या 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 बोलूँ यार, सब जगह मुंबई में ना बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बस सीमेंट की गाड़ियाँ और ये गाड़ियाँ, बस यही गाड़ियाँ आपको सब जगह दिखाई देगी, और सब जगह खड्डे खुदे हुए, पता नहीं क्या कर रहे फटाफट रास्ते, और अचानक इनको सब जगह रास्ते एक ही साथ बनाना है, ऐसा नहीं कि हालत खराब होगी बस। तो बाय गाइस, टेक केयर एंड।